जिस तरह से मुद्दे को डाइवर्ट किया जा रहा है और 71% सांसदों को सदन के बाहर का रास्ता दिखाया गया है, ये लोकतंत्र की हत्या की चरम है, अहंकार की चरम सीमा है। और जिस तरह मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए मिमिक्री को मुद्दा बनाया जा रहा है, हमारी लोकसभा स्पीकर कांग्रेस की मीरा कुमार थी, उनको सरेआम टीवी में उनकी मिमिक्री हो रही थी, उन्होंने कभी नहीं कहा कि यह दलित का अपमान है। अगर ये जाट और किसानों से जोड़ रहे हैं तो गाजीपुर में जब किसान बैठे थे वो जाट भी थे, हरियाणा के भी थे, किसान भी थे और भाजपा वाले पुलिस वालों को कह रहे थे कि इनको लठ मारो हम देख लेंगे, तब किसी भी भाजपा नेता ने किसानों के अपमान और जाटों के अपमान की बात नहीं कही। जब हमारी बच्चियां पहलवान हरियाणा की किसान फैमिली से जाट फैमिली से बैठी थी और वो मिमिक्री हुई है इसलिए नहीं रो रही थी, वो ये बोल रही थी कि हमारे साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, तब किसी भी भाजपा नेता को उन जाट परिवार की बच्चियों का अपमान नहीं लगा, उनके लिए शर्मिंदा नहीं हुए। आज जिस तरह की छोटी राजनीति हो रही है, ये पूरा देश शर्मसार हो रहा है और ये लोकतंत्र की हत्या है। और ये बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि कल भाजपा वाले ये सर्कुलर भी दे दे कि जितने भी सस्पेंड सांसद हैं वो सदन के भीतर क्या इस गेट्स के अंदर भी नहीं जा सकते, और कल ये भी सर्कुलर आ सकता है कि भाजपा वाले अब बिना विपक्ष के ही सरकार चलाना चाहते हैं।